मॉर्निंग बच्चों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को वर्णमाला का ज्ञान कराऊंगी और मात्राओं का ज्ञान कराऊंगी। इसके बाद मैं आपको पाराखड़ी बताऊंगी। देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ए, ओ, आओ, अं, अहा, का, खा, गा, धा, अंगा, चा, छा, जा, छा, निया, टा, ठा, डा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, था, बा, था, मा, या, रा, ला, वा, शो, शा, सा, हा, छर, त्रे, क्या। ये आपका वर्णमाला है जो बेसिक है, जिसका ज्ञान होना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर मैं अब आपको मात्राओं का ज्ञान कराती हूँ। छोटा आ, इसका कोई भी मात्रा नहीं होती। बड़ा आ, बड़ा की मात्रा इस तरह होती है। छोटी, छोटी की मात्रा ये है। बड़ी, बड़ी की मात्रा इस तरह आती है। छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह लगती है। और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह लगेगी। री, ए, ए की मात्रा ये है। ए, ए में ऊपर दो मात्रा आ जाएगी। ओ, ओ में आ की मात्रा लगा करके ऊपर मात्रा लगाएंगे तो ये ओ की मात्रा हो जाएगी। औ, ओ में लाइन खींचकर ऊपर दो मात्रा अगर हम लगा देते हैं तो ये आपका अ की मात्रा हो जाएगी। अंग में ऊपर बिंदी आएगी और आहा में बगल में बिंदी आ जाएगी। तो ये आपकी मात्राएं हो गई। बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए में देखिए ऊपर दो मात्रा आएगी, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की बिंदी और फिर आ की बिंदी। देखिए इसके नीचे आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर ये बिंदी है अंगा, ठीक है। तो ये आपका इस वर्णमाला का ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान होने पर ही आप लोग आगे लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप लोग घर में ये मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस करना, याद करना, ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ पाराखड़ी। सबसे पहले का, फिर का यानी इस पे आएगी बड़ा आ की मात्रा। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं। फिर आता है बड़ा, यानी का पर बड़ा आ की मात्रा का। फिर का पर छोटी की मात्रा की। का पर बड़ी की मात्रा की। का पर छोटा ऊ की मात्रा ऊ। का पर बड़ा ऊ की मात्रा ऊ। कार के नीचे री। फिर का पर ए की मात्रा के। का पर ए की मात्रा के। का पर ओ की मात्रा को। का पर ओ की मात्रा को। का पर अंग की बिंदी कं। का पर आह की बिंदी कह। देखिए का की कु क्री। के कै को कौ कं
कहा। हाँ, इससे ये यानी ये कौन सी मात्रा है, बड़ा आर की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, री है, री की मात्रा। फिर का पर ए की मात्रा के, का पर ए की मात्रा कै, का पर ओ की मात्रा को, का पर औ की मात्रा को, का पर अंग की बिंदी कंग, का पर अह की बिंदी कह। ये मात्राएं ही लगी है, मात्राएं लगने पर ही पारा खड़ी बनती है। आप गा भी देखिए, एक गा का भी देख लीजिए, यानी इस पे कोई मात्रा नहीं है। फिर गा पर बड़ा आ की मात्रा गा, गा पर छोटी ई की मात्रा आएगी गी, गा पर बड़ी ई की मात्रा आएगी गी, गा पर छोटा ऊ की मात्रा आएगी गू, गा पर बड़ा ऊ की मात्रा गू। हाँ, जैसे वर्णमाला में छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ औ अंग अह आता है, ऐसे ही हम इस पर मात्रा लगाएंगे। तो ये गा है, गा पर बड़ा आ की मात्रा गा, गा पर छोटी की मात्रा गी, गा पर बड़ी ई की मात्रा गी, गा पर छोटा ऊ की मात्रा गू, गा पर बड़ा ऊ की मात्रा गू, गा पर री। फिर गा पर ए की मात्रा गे, गा पर ए की मात्रा गे, गा पर ओ की मात्रा गो, गा पर ओ की मात्रा गो, गा पर अंग की बिंदी गंग, और गा पर आह की बिंदी ग। अब इसी तरह आप लोग मात्रा लगाते हुए घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये खा हो गया, फिर चा, जा, झा, टा, था और डा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पे करिएगा, ये आप लोग घर पे लिख लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ लेसन वन। लेसन में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग देखिए। पार्ट एक, पहले आप लोग शब्द अर्थ लिखेंगे, शब्द अर्थ के बाद पहले मैं आपको पुस्तक पढ़ा रही हूँ, लेसन पढ़ा रही हूँ, हमारे जन्मभूमि पाठ एक, पाठ एक जन्मभूमि। जन्मभूमि और इसके लेखक हैं श्री कमला प्रसाद गुरु, कवि श्री कमला प्रसाद होता है, हम वहां जाने की इच्छा
कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी हम उनसे मिलने के लिए या घूम कर आने के बाद हम उसी जगह पर आते हैं जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं, क्योंकि हमें उस जगह से बहुत ही अत्यधिक संबंध होता है, हमें प्रेम होता है। जहाँ की मिली वायु है जीवन जीवदानी, हवा तो सर्वत्र है ना, और हवा के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ कवि कहता है कि जहाँ की वायु हमें जीवनदायी, खुशी, जिसे हम जहाँ पर हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे बंधु रहते हैं, वहाँ पर हमें जो खुशी महसूस होती है, वहाँ की वायु हमको ऐसा लगता है वो हमें जीवनदायी, हमें जीवन प्रदान करती है। जहाँ का बिना देह में अन्न पानी, जहाँ की देह हमारे शरीर, जहाँ पर उपजी हुई अनाज को हम खाकर हम इतने बड़े हुए हैं, भरी जीव में है जहाँ की सुबानी, सुबानी माने मीठी बोली, हाँ, जहाँ पर हम रहकर हमारी जीव में यानी हमारी जिह्वा पर मधुर बोली बोलने की शक्ति है, वही जन्म की भूमि है, भूमि रानी वही जन्म की भूमि, जहाँ हम पैदा हुए हैं वही हमारे लिए भूमि रानी है, रानी के समान वो हमारे लिए भूमि है, यानी हम उसको अधिक महत्व देते हैं। आप अगर बाहर जाते हैं घूमने के लिए या विदेशों में जाते हैं तो एक समय आता है कि जब आपको अपने मातृभूमि की याद आती है, आप लौट जाते हैं, आपको एक अद्भुत खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर पैदा हुए हैं, हम वहाँ पर पले पोसे, हमारे माता पिता वहाँ रहते हैं, हमारे सगे संबंधी रहते हैं, वहाँ की मिट्टी में उपजे अनाज को खाकर हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हाँ, जहाँ की वायु मिट्टी में खेल कर हम इतने बड़े हुए हैं, तो उस भूमि से हमारा अटूट रिश्ता रहता है, हमारा अटूट संबंध होता है, इसलिए हम वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर भी कवि कहता है कि वहाँ की भूमि हमारे लिए रानी के समान है जहाँ हम पैदा हुए हैं। पिला दूध माता हमें पालती है, जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ अपना दूध पिलाकर बच्चे को पालती है, हमारे सभी कष्ट भी टालती है, हमारे सभी मुसीबतों को, हमारे सभी कष्टों को दूर करती है। टालना का अर्थ होता है दूर करना, तो माँ जो है वो हमें अपना दूध पिला करके हमारा पालन पोषण करती है, हमें बड़ा करती है, हमारे सभी कष्टों को दूर करती है। उसी तरह हमारी उसी भांति है जन्म की भूमि उदारा, उसी तरह हमारी जन्मभूमि जो है वो भी माता के समान है, और वो हमेशा हमारे संकटों को, सुतों माने बेटों, वो भी मातृभूमि भी हमारे कष्टों को दूर करती है और अपने पुत्रों को सहारा देती है, सुतों माने पुत्र बेटों को सहारा देती है। जिसे जन्म की भूमि का मान होगा, जिस व्यक्ति को अपने मातृभूमि से मातृभूमि का सम्मान होगा, जिसके अंदर आदर होगा, उसे भाइयों का सदा खाना, उसे इस मातृभूमि पर, इस भूमि पर रहने वाले सभी भाई बंधु, सभी उसके भाई बंधु हैं और उसके प्रति उसका ध्यान होगा, उसका मान होगा। दशा भाइयों की है, जिसने अपने भाइयों की यानी इस मातृभूमि पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों जो उनके भाई बंधु के समान है, उनका अगर ध्यान वो नहीं करता है तो उसे देश का वो कौन कहेगा, उसे कि देश अभिमानी, उसे देश कौन कहेगा कि ये देश का अभिमानी है, यानी इसको देश के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव है, अभिमान है, गर्व है, यानी जो देश की भलाई नहीं करता, जो देश की हित नहीं करता, जिसे अपने सगे संबंधियों की परवाह नहीं होती है, जो देश के प्रति कुछ कर नहीं सकता, वो व्यक्ति देश के लिए सही नहीं होता, वो देश का अभिमानी नहीं कहलाता, उसको देश का गौरव नहीं मिलता है। कहेगा उसे कौन देशाभिमानी, कौन कहेगा उसे कि उसे देश पर, अपने देश पर गर्व है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे शब्द अर्थ, लिखिए यहाँ, लिखिए शब्द अर्थ, विधाता, लेकिन विधाता, विधाता का अर्थ होता है ईश्वर, ईश्वर या भगवान।
और जगह। बहुत आनंद करती है।
जन्मभूत जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसके सारे कष्टों को दूर करती है, उसी प्रकार धरती माँ भी हमारा पालन पोषण करती है, क्योंकि उसी भूमि पर उगे हुए अनाज को हम खाकर बड़े होते हैं। और यही धरती माता हमारा माँ के समान हमारे सभी कष्टों को दूर करती है। इस तरह जन्मभूमि माता के समान हमारी देखभाल करती है। देशाभिमानी कौन कहलाता है? जिस व्यक्ति को अपने देश के प्रति गर्व होता है, वही व्यक्ति देशाभिमानी कहलाता है। जो देश के लिए हित के कार्य करता है, जो देश की भलाई चाहता है, ऐसे व्यक्ति देशाभिमानी कहलाते हैं। अब वाक्य प्रयोग कीजिए। विधाता, विधाता का अर्थ होता है भगवान। तो हमें विधाता का स्मरण करना चाहिए, हमें विधाता का भजन करना चाहिए। नाता, नाता का अर्थ होता है संबंध। माता पिता के साथ हमारा अटूट नाता होता है। संकट, संकट का अर्थ होता है मुसीबत। हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। ध्यान, हमें पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। कष्ट, कष्ट जो हमें कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, या माँ बच्चे के सारे कष्टों को दूर करती है। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप इसको जाकर फिर से समझ सकते हैं।